तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम से जटिल भोज्य पदार्थ स्टार्च सरल भोज्य पदार्थ शर्करा में बदल जाता है। मैम, क्या लार के प्रभाव को हम अम्लीय माध्यम में भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। क्या क्षारीय माध्यम में भी देख सकते हैं? क्षारीय माध्यम में भी हम देख सकते हैं। और मैम, उदासीन माध्यम में? हम तीनों माध्यम में लार के प्रभाव को देख सकते हैं। इसके लिए हमें तीनों माध्यम बनाने पड़ेंगे। एक में हमने कपड़े धोने के सोडे से घोल तैयार कर लिया है, इसे तुम पकड़ो, इसे हम बड़ी परख नली में डाल देते हैं, ठीक है। और एक में हमने डिस्टिल वाटर लिया है, आसुत जल लिया है, ठीक है। अब तीनों परख नली में हम लगभग 20 से 25 बूंद आटे के घोल को डाल देंगे। अच्छा बच्चों, अब ये बताइए कि ये जो परख नलियाँ आपने पकड़ी है, इसमें अम्लीय माध्यम किस परख नली में है? मैम, मेरे वाले इसमें नींबू के रस में। वेरी गुड, इसमें नींबू का रस है जिसको हम अम्लीय माध्यम बनाए हैं, ठीक है। दूसरे परख नली में क्या है? सोडे का पानी। ये कौन सा माध्यम हुआ? क्षारीय माध्यम। ये क्षारीय माध्यम और ये उदासीन माध्यम। उदासीन माध्यम हुआ, ठीक है। अब बच्चों, इसमें आपको लार मिलानी है, एक एक कर इसमें लार मिलाइए, तुम भी मिलाओ। वेरी गुड, तीनों में लार मिलाने के बाद हम तीनों माध्यम में लार के प्रभाव को देख सकते हैं। इसे भी हम लगभग 2 घंटे के लिए रख देंगे। चलिए बच्चों, 2 घंटा हो चुका है, अब हम इन तीनों माध्यम में अम्लीय, क्षारीय और उदासीन स्टार्च का परीक्षण करेंगे। इसके लिए हम इसमें आयोडीन विलयन की बूंदें डालेंगे, और अगर इसका रंग गहरा नीला आता है, इसका मतलब इसमें स्टार्च उपस्थित है, और इसका रंग अगर नीला नहीं आता है, मतलब इसमें स्टार्च उपस्थित नहीं है। चलिए करते हैं। प्राची, तुम ये परख नली पकड़ो, तुम इसको पकड़ो। अब हम इसमें आयोडीन की बूंदे डालेंगे, ठीक है। अब बच्चों, आपको बताना है कि गहरा नीला रंग किस में आया। तो हम देख सकते हैं कि तुमने क्षारीय माध्यम की परख नली पकड़ी है, तुमने उदासीन माध्यम की परख नली पकड़ी है, और तुमने अम्लीय माध्यम की परख नली पकड़ी है। और हम देखेंगे कि क्षारीय और उदासीन माध्यम में गहरा नीला रंग आया, इसका मतलब इसमें अभी भी स्टार्च उपस्थित है। इस माध्यम में एंजाइम अधिक क्रियाशील नहीं थे, जिसके कारण स्टार्च का पाचन यहाँ पर नहीं हुआ। हम देख सकते हैं कि अम्लीय माध्यम में गहरा नीला रंग नहीं आया, मतलब इसमें स्टार्च उपस्थित नहीं है। मैम, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमने हल्का अम्लीय माध्यम बनाया था, और हमारे लार में पाए जाने वाले एमाइलेज एंजाइम ने इस स्टार्च के साथ क्रिया की और उसे माल्टोज में बदल दिया। और बच्चों, ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये ताप और पीएच के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, और एमाइलेज एंजाइम हल्के अम्लीय माध्यम में, लगभग जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में हो और तापमान लगभग 32 से 37 डिग्री सेल्सियस हो, तब ये अधिक क्रियाशील होते हैं। और क्षारीय और उदासीन माध्यम में लार के एंजाइम्स अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं, इसलिए इन दोनों में गहरा नीला रंग आया और इसमें गहरा नीला रंग नहीं आया।